So our question is, the resistance of a wire of length 300 meter and cross section area 1 millimeter square made of material of resistivity 1 into 10 raised to minus 7 is. तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो लेंथ ऑफ द वायर जो दी हुई है हमारी, वो दी हुई है 300 मीटर के बराबर, और जो हमारे क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर जो है वो हमारी है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर में है, तो हम उसे क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें क्या करनी होती है, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि वी नो डैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू दी हुई है, तो रेजिस्टिविटी हमारी कितनी दी हुई है, 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 ओम मीटर, क्योंकि जानते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। अब वी नो डैट, हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, वेयर R is the resistance, rho is the resistivity of the wire, L is the length of the wire and A is the cross section area. Yeah. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो value है अपनी resistivity, length और area की value put कर देते हैं. So R is equal to 1 into 10 raised to minus 7 जो कि हमारी resistivity है, into 300 जो कि हमारी length है, divided by 1 into 10 raised to minus 6 जो कि हमारी area of cross section है. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 ओम के बराबर आ जाएगी।